हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिट में। दोस्तों, पिछले ही महीने हमने दो समर्सिबल पंप को इंस्टॉल किया था, जो कि था एक ऑयल कंपनी का वाटर फिलेट के साथ और एक था फैल्कन कंपनी का ऑयल फिलेट के साथ। दोनों ही पंप की पावर की बात करी तो दोनों ही पंप 1.5 HP के थे और बात करें इनके प्राइस की तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही था। तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों कंपनियों के पंप के बीच में कंपैरिजन किया जाए और देखा जाए कि कौन सी कंपनी के पंप में हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और साथ ही में हम ऑयल फिलेट समर्सिबल पंप और वाटर फिलेट समर्सिबल पंप बीच के डिफरेंस को भी जानेंगे कि आखिरकार दोनों में अंतर क्या है और हमें कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को दोनों पंप के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही पंप में आपको कुछ न कुछ एडवांटेज और साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे, जो कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। पर उससे पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल इजी फिट। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको पंप और प्लंबिंग से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं और आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि हाँ हमें सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही हमें सब्सक्राइब करें, वरना ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों कंपनियों के पंप के पैकेजिंग के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि पैकेजिंग से पहला हमें क्या लेना देना। तो दोस्तों देखिए, जिस भी कंपनी की पैकेजिंग अगर अच्छी होती है तो इससे ये साबित होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है, और साथ ही ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट को सेफ रखने का कुछ क्रेडिट पैकेजिंग को भी जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस किस कंपनी के साथ अच्छा रहा। तो देखा जाए तो दोनों की ही पैकेजिंग मुझे बहुत ही सही लगी, पर मैं आपको बता दूं, जो फैल्कन कंपनी के पंप की जो पैकेजिंग होती है ना, वो काफी ज्यादा सही तरीके से की जाती है और पैकेजिंग स्ट्रांग होने के साथ ही साथ उसे अनबॉक्स करना भी काफी ज्यादा इजी होता है। अब ये चीजें तो उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, इसलिए आइए बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। बात करते हैं इसके इंपैलर की क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, दोनों ही कंपनी के इंपैलर में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो फैल्कन कंपनी का जो पंप के जो इंपैलर होती है ना, उसमें आपको थोड़ा सा रूम देखने को मिलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, फैल्कन कंपनी के इस पंप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके डिफ्यूजर का साइज और कंपनी के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा रखा गया है, जिस वजह से इसके अंदर जब इंपैलर रोटेट करता है तो उसको कुछ ज्यादा स्पेस मिलती है। और ऐसे में अगर बाय चांस आपके पंप में कोई कचरा वगैरह चला गया तो ऐसे में पंप जाम होने के चांसेस ऐसे में थोड़े कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो फैल्कन कंपनी का जो पंप होते हैं उसके अंदर आपको बीच में भी बूस्ट देखने को मिलेगा, जिस कारण से फैल्कन के जो पंप है वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। और बाकी सभी कंपनी में हमें दो ही बूस्ट देखने को मिलते हैं, एक आपका बॉटम में लगा होता है और एक आपका टॉप में लगा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही पंप के बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों वैसे तो दोनों ही पंप हमें स्टेनलेस स्टील के साथ देखने को मिलता है, पर दोस्तों कॉयल कंपनी के पंप में जो नीचे का पार्ट था और जो पंप के जो आउटलेट वाला जो पार्ट होता है वो हमें आयरन का देखने को मिलेगा, जबकि फैल्कन कंपनी में हमें ये सारे पार्ट्स स्टील के ही देखने को मिलते हैं, वहाँ आयरन का एक भी यूज नहीं होता है। पर ध्यान रहे कि फैल्कन के UTEE वाले सीरीज वाले जो समर्सिबल पंप है उसी में आपको फुल स्टील देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो कॉयल कंपनी है ये किर्लोस्कर ब्रदर्स ग्रुप की ही एक कंपनी है, जो कि पंप्स के मामले में अभी नई नई मार्केट में आई है। ये कंपनी अपने बड़े बड़े डीजी जनरेटर के लिए जानी जाती है, और कॉयल का जो फुल फॉर्म है वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। तो बात करें मोटर की वाइंडिंग की तो दोनों में ही कॉपर की वाइंडिंग की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑयल फिलेट समर्सिबल पंप और वाटर फिलेट समर्सिबल पंप में से हमें कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि दोनों पंप के बीच में क्या फर्क है और क्या जरूरत आ पड़ी कि वाटर फिलेट समर्सिबल पंप होते हुए भी कंपनी वालों को ऑयल फिलेट समर्सिबल पंप बनाने पड़े। दोस्तों जब पानी के नीचे पंप को चलाया जाता है तो पंप का मोटर जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसको ठंडा रखने के लिए ही उसमें वाटर फिल किया जाता है, जिसे हम वाटर फिलेट समर्सिबल पंप कहते हैं। अब दोस्तों वैसे तो वाटर फिलेट समर्सिबल पंप काफी ज्यादा किफायती और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, पर वाटर फिल कर देने से यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि ऐसे पंप में बैरिंग का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे पंप में अगर बैरिंग को लगा दिया जाए तो वो लंबे समय तक पानी में रहने के कारण जंग लगकर खराब हो जाएगा, जिस वजह से पंप के रोटेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ऐसे पंप में बैरिंग की जगह बूस का यूज किया जाता है। अब बूस को यूज करने से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, पर इससे एक और छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो बूस होता है वो बैरिंग की तरह फ्रीली स्पिन नहीं हो पाता है। ऐसे में से रोटेट करवाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। इस पंप की सबसे खास बात ये है कि इस पंप को आपको उतना ज्यादा मेंटेनेंस करने
करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अगर इसी पंप को ठंडा रखने के लिए ऑयल का यूज किया जाए तो उसे हम ऑयल फ्लूइड सबमर्सिबल पंप कहेंगे। आइए इस पंप के कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इसमें जो ऑयल भरा जाता है ना, वो पंप को ठंडा रखने के साथ ही साथ पंप के इंटरनल पार्ट्स के लिए एक लुब्रिकेशन का भी काम करती है, जिस वजह से इसके पार्ट्स के घिसने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों इस पंप की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इस पंप को आप कम वोल्टेज में भी आसानी से चला सकते हो। और बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो दोस्तों ये जो पंप होते हैं ये थोड़ा सा मेंटेनेंस मांगते हैं और खराब हो जाने पर इस पंप को रिपेयर करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ऑयल फिलेट सबमर्सिबल पंप और वाटर फिलेट सबमर्सिबल पंप के बीच में बारीकी से जानकारी चाहिए तो इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में शो होगी। आप चाहो तो इस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि दोनों कंपनी में से कौन से कंपनी का पंप जो है वो बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों ही पंप के प्रेशर को आप देख सकते हो। कॉइल वाले पंप को हमने 220 फीट पर रखा है और पंप को स्टार्ट करने के बाद हमने जब वोल्टेज रीडिंग देखा तो हमें 180 वोल्ट देखने को मिला, यानी कि 180 वोल्ट में हमें कुछ इस तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा था, जो कि उतना ज्यादा तो नहीं है, पर हो सकता है कि अगर इसे प्रॉपर वोल्टेज मिल पाता तो अच्छा प्रेशर भी हमें देखने को मिलता। इसलिए अभी कुछ कहना यह भी गलत होगा कि ये पंप जो है वो खराब है। अब बात करेंगे फाल्कन की, तो फाल्कन वाले पंप को हमने 250 फीट पर रखा है। पंप को स्टार्ट करने के बाद हमें 200 वोल्ट की रीडिंग देखने को मिला, तो जैसा कि आप देख सकते हो 200 वोल्टेज में ही हमें कितना अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि मुझे फाल्कन वाला बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आपको दोनों में से कौन अच्छा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही पंप के प्राइस के बारे में हमने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि दोस्तों इसका जो प्राइस है वो अलग अलग जगह के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। वैसे कहने को तो मैं आपको बोल दूंगा कि ये 15,000 में आपको मिल जाएगा, पर हो सकता है कि आपके एरिया में यह 15,000 में पॉसिबल ना हो, ऐसे में आपको लगेगा कि मैं आपको गलत प्राइस बता दिया। और अगर आप हमारे लोकल हो यानी कि रांची से कहीं से भी हो और आपको सबमर्सिबल पंप में कोई डील चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सबमर्सिबल पंप डील करवा देंगे। और ऐसा भी नहीं कि पंप लेने के बाद हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। इन फ्यूचर अगर पंप में कोई भी दिक्कत आती है तो पर्सनली आके हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे शॉप का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना हो तो ही सब्सक्राइब करें, वरना ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसका लेवल 1.5 HP का था ना, कहाँ से ला रहे हैं, वोल्टेज कम था हमारा। तार भी ठीक से लेकर चलाना है।